नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और अभी मैं हूँ आनंद राव सर्कल बेंगलुरु में, और आपके सामने अभी है वोल्वो BATR 9600S ओन्ड बाय MR ट्रैवल्स जोधपुर। ब्रांड न्यू बस है, जोधपुर टू बेंगलोर इस रूट पे ये अभी दौड़ रही है। और इसकी एक स्पेशलिटी बता देता हूँ, ये गाड़ी जो शेल है बॉडी वो वोल्वो की है, और अंदर का कोच है वो विश्वकर्मा ने बिल्ड किया है। तो आप नोटिस चेंजेस थोड़े नोटिस करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा अभी। ये आप पहले स्ट्रिप देख लीजिए सिल्वर कलर की, दोनों बर्थ्स के बीच में वो काफ़ी सही लग रही है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रिप काफ़ी सही लग रही है मुझे। और MR ट्रैवल्स के सभी गाड़ियों पर ये स्किन कलर, ब्राउन कलर मिक्स्ड ऐसा कलर होता है, और काफ़ी सही लाइवरी है, सिंपल एंड सॉर्टेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको MR ट्रैवल्स का लोगो मिल जाता है सिंस 1975। आगे की ओर से आप देखिए, MR ट्रैवल्स ऐसा लिखा गया है क्योंकि अंदर CCTV कैमरा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स ऐसा ये नहीं लिख रहे वोल्वो 9600 पे। बीच में वोल्वो का बड़ा सा लोगो, वहाँ पे एक्चुअली CCTV कैमरा फिट होता है कंपनी की ओर से, पर इन्होंने लिया नहीं है, इसलिए वो MR ट्रैवल्स का ब्रांडिंग वहाँ पे आ गया है। ये देखिए, यहाँ पे वाइपर पे धागा बांधा गया है, ड्राइवर दादा ने बांधा होगा वो शायद। यहाँ पे LED लाइट्स, वो LED है वी शेप का। और RTO देखिए, ARRTO अरुणाचल गाड़ी है, जोधपुर की आई है बेंगलोर, और RTO अरुणाचल का। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो ये वाइपर्स वगैरह है, मिरर्स भी देखिए कितने बड़े और कितने रिजिड है, अच्छे हैं, अच्छा दिख रहा है। इतनी ज़रूरत भी है, इतनी बड़ी बस है, 15 मीटर्स इस बस की लेंथ है। ये इस बस का डोर है ड्राइवर दादा को ऊपर चढ़ने के लिए। वोल्वो का मेंशन, BS6 का मेंशन आपको मिल जाता है इस पे। ये देखिए, ये जो स्ट्रिप है वो काफ़ी सही है। और जैसे कि मैंने कहा था, श्री विश्वकर्मा मोटर्स बॉडी रिपेयरिंग एंड डेंटिंग वर्क जोधपुर, इन्होंने इसका कोच बनाया है अंदर से। और ये इसके टायर्स है, नट बोल्ट्स पे भी देखिए वोल्वो का ब्रांडिंग आ जाता है। आगे वाले टायर के ठीक पीछे फ्यूल टैंक है। ये गाड़ी 4 का माइलेज दे देती है, 4 किलोमीटर पर लीटर KMPL। यहाँ पे एड ब्लू का टैंक है। और पीछे की ओर MR ट्रैवल्स की फिर से ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे हर 9600 को आता है। और बीच में वोल्वो का छोटा सा प्यारा सा ऐसा लोगो, और पीछे भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांडिंग वगैरह नहीं की है। और लेफ्ट हैंड साइड में वोल्वो का ब्रांडिंग, और राइट हैंड साइड में 9600S। ये BS6 कहीं का आगे का निकाल के पीछे चिपका दिया है फॉर श्योर, ऐसा कभी नहीं होता BS6 का मेंशन वहाँ पे। ये नंबर प्लेट की लाइट्स, ये पीछे जो टेल लैंप है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है वो स्किन कलर एंड रेड कलर। और क्योंकि ये वोल्वो बस है तो इसमें आपको पहले रियर इंजन मिल जाता है, पीछे की ओर होता है इसका इंजन। वहाँ पे भी डक्ट्स हैं, आप देखिए ब्लैक कलर के 1, 2, 3। और अभी हम इसका बूट स्पेस देखते हैं, यानी कि डिग्गी। देखिए इसको मैंने ऊपर कर दिया, ये देखिए ये इसका बूट स्पेस है, काफ़ी बड़ा है। इसमें भी लाइट वगैरह इंस्टॉल किया गया है, ये सब आई गेस वोल्वो ने किया है इन बिल्ट। और वहाँ पे एड ब्लू का टैंक है राइट हैंड साइड में, ये कुछ यहाँ पे बैटरीज वगैरह होंगी शायद। सो वहाँ पे वाटर बॉटल्स वगैरह है, ये बार तो एक बैरियर टाइप है इसमें। और ये देखिए एड ब्लू का वहाँ पे, वहाँ से फिल किया जाता है, तो इसके वो जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है उसमें एड ब्लू का टैंक है। और ये जो वायर्स वगैरह है, ये देखिए ये जो वायर्स वगैरह है, दैट इज़ फॉर द कनेक्शन ऑफ दिस लाइट, आई विल शो यू। या ये लाइट के कनेक्शन की वो वायर्स है। तो अभी चलिए इस गाड़ी को अंदर से देखते हैं। एम्बियंट लाइटिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल लगती है, ये देखिए येलो कलर की लाइटिंग यहाँ पे। और जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद था, वो उन्होंने हटाकर यहाँ पे कर दिया है विश्वकर्मा कोच बिल्डर्स ने।
और चार्जिंग पॉइंट्स, बाकी सब केबिन तो सेम ही है, 3 पॉइंट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, एसी वेंट वगैरह, ये लाइट्स के कंट्रोल्स है, फिर रेडियो है, यहाँ पे शिवजी विराजमान है, और ब्रांड न्यू बस है। अगर आप ओडोमीटर पे देखें तो 6019 है, मतलब 6000 किलोमीटर चल चुकी है। ये रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू यहाँ इस स्क्रीन पे आता है, ये क्रूज कंट्रोल का बटन, ये एवरेज देखिए अभी 3.5 3.3 वो एवरेज दिखाता है इन दिस सिचुएशन। अभी ट्रैफिक में आई है ना बस, तो थोड़ी सी कम है एवरेज इसका। ये को ड्राइवर के लिए सीट है, उसके लिए भी, उनके लिए भी एसी वेंट। और ये देखिए फिनिशिंग देखिए विश्वकर्मा का, पूरा नोटिसेबल है वो पेस्ट जो लगाया है, पूरा नोटिसेबल है यहाँ पे। ये शायद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्न्स है, वो अभी वर्क नहीं करते, आई एम श्योर अबाउट दैट। वो एसी के कंट्रोल से पार्किंग ब्रेक, और इसमें आपको 12 स्पीड AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, रिवर्स न्यूट्रल ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, सीट बेल्ट, सेफ्टी इज इक्वल टू वोल्वो, वोल्वो इज इक्वल टू सेफ्टी, दैट गोज विदाउट सेइंग। और कुछ ऐसा है इस बस का केबिन, और डोर पे एंटर करते वक्त आपको MR ट्रेवल्स का ब्रांडिंग मिल जाता है, और 9600 का डोर मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पे खुलता है, इसका राइट हैंड साइड पे खुलता है, मतलब सब जुगाड़। ये और एक जुगाड़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो कुंडी है ना वो भी यहाँ पे की गई थी, वो नीचे होती है मोस्टली सब बसेस में, मैंने देखी यहाँ पे इन्होंने कुंडी कर दी है, कुंडी लगा लो सैया, तुझे जन्नत दिखा दो, हमारा रील बहुत वायरल गया था वो, उससे मुझे याद आया। और अंदर से 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें आपको आ जाता है कैप्सूल बॉडी, मतलब सॉरी कैप्सूल टाइप कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपको ये स्लाइडिंग डोर्स वगैरह मिलते हैं, मतलब फुल प्राइवेसी बट स्पेस इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट, मतलब सब इस बॉडी का ये पे इन्होंने जुगाड़ कर दिया है इन लोगों ने, विश्वकर्मा ने। आपको और चीज़ें बताता हूँ मैं, जितने चीज़ें बताने की है एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही है मुझसे, मतलब फ़नी चीज़ें की है इन्होंने काफ़ी सारी। और ये देखिए यहाँ पे MR ट्रैवल्स का ब्रांडिंग, टोटल 43 बर्थ्स, 42 एक्चुअल है, रेड बस के चार्ट पे भी 42 है। यहाँ पे देखिए MR ट्रैवल्स का ब्रांडिंग, ये काफ़ी सही किया है इन्होंने, ये भी वोल्वो से ही, मतलब ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना वो ये सब उन्होंने वोल्वो से कॉपी किया है, पर किया है विश्वकर्मा ने ही। ये देखिए बड़े बड़े दो रीडिंग लैम्प्स, वो डंडा आ जाता है ब्लैंकेट्स के लिए, ये स्लाइड होते हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो बर्थ की जो स्पेस है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। वो देखिए रीडिंग लैम्प्स, इमरजेंसी स्टॉप बटन, वहाँ पे एक एसी वेंट, और वहाँ पे दो एसी वेंट ख़त्म, मतलब इधर जो बंदा बैठेगा पैसेज के बाजू में उसको एसी की हवा आएगी नहीं आएगी भगवान जाने। वहाँ पे ये देखिए ये स्टैंड का तो मतलब क्या, सिर्फ बॉटल रख सकते हैं, बैग वगैरह तो रख ही नहीं सकते। ये रीडिंग लैम्प देखिए ये चालू बंद हो जाता है यहाँ से, ये सिंगल वाला बर्थ है, वहाँ पे वो एसी वेंट दिया गया है। कर्टन्स वगैरह अच्छे हैं पर स्पेस मतलब भाई साहब नमस्कार है। यहाँ पे MR ट्रेवल्स का ब्रांडिंग, बॉटल मोबाइल होल्डर, सॉरी बॉटल होल्डर तो है ही नहीं, ब्लैंकेट्स वगैरह तो प्रोवाइड किए गए हैं। वहाँ पे वो इमरजेंसी डोर है, विंडो पेन काफ़ी बड़ा है वो अच्छी बात है। और चार्जिंग सॉकेट्स देखिए, ये 2 पिन चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, वो भी ठीक ठाक है, मतलब काम चल जाएगा। और यहाँ पे श्री विश्वकर्मा की ब्रांडिंग, जोधपुर का ये बस बॉडी बिल्डर है, उनका कांटेक्ट नंबर भी दिया है वहाँ पे। और यहाँ पे पिलो वगैरह नहीं मिलता है, ऐसा कर्वी स्ट्रक्चर यहाँ पे किया गया है। और ये नीचे वाला बर्थ है सिंगल, जैसे मैंने कहा था ये स्टैंड निकाल दो भाई साहब, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। और ये देखिए इधर नीचे कितनी जगह छोड़ी गई है, अरे बाप रे, यहाँ पे आप अपना पूरा मतलब लगेज सब कुछ रख सकते हो इधर। इसकी वजह से हुआ एक प्रॉब्लम है, आपको झट से बता देता हूँ, ये सिंगल अपर वाला जो बर्थ है ना भाई साहब, इस पर आप बैठ ही नहीं सकते, प्लीज़ डोंट चूज़ दिस, आई रिक्वेस्ट यू। ये देखिए वहाँ पर आपका हाइट, वहाँ पे आपका सिर लगेगा, आप बैठ ही नहीं पाएंगे, आपकी आप कितने भी लाइक 5'5" हो, 5'4" हो, आप कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाएंगे। और ये डबल वाला अच्छा है, पर ये सिंगल वाला जो है अपर वाला, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट।
इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन तो फिर ठीक है। ये देखिए ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 1 फीट होगा। और सबसे और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये रेयर इंजन है इसलिए यहाँ पे एक स्टेप है MR ट्रैवल्स की ब्रांडिंग। ये अभी स्टेप चढ़ के मैं ऊपर चला गया, ये देखिए बीच में ही इन्होंने एक बर्ड डाल दिया है, नंबर 43। भाई साहब बात ख़त्म, ये जुगाड़ सही था। और यहाँ पे ये लास्ट वाला बर्थ है, ये वाला आदमी यहाँ सिर करके सोएगा यार। ये या तो लाइक दे आर देयर हेड इज़ टुवर्ड्स ईच अदर, सो लास्ट वाला जो आदमी है वो ड्राइवर की ओर सिर करके सोएगा, मतलब ड्राइवर के दिशा साइड की तरफ। ये देखिए यहाँ पर भी सेम। और ये देखिए ये फिनिशिंग देखिए, ब्लैक वाला जो क्रीम वो भी नोटिस हो रहा है वहाँ पे इस इवेंट ये। और यहाँ पे एक्चुअली इमरजेंसी एग्जिट होता था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी इन्होंने यहाँ पे नहीं होता था, सॉरी वो B9R वगैरह में होता था, CCTV कैमरा नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है वो भी इन्होंने निकाल दिया। ये एम्बियंट लाइटिंग वगैरह अच्छा है, ये रॉड वगैरह भी अच्छा है, पर इससे आई गेस थोड़ा सा वजन जो है गाड़ी में वेट थोड़ा सा बढ़ जाता होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए यहाँ पे चार चार जन सो सकते हैं, मतलब क्या। ये देखिए यहाँ इन्होंने चेसिस में क्या क्या जुगाड़ किया है कुछ कह नहीं सकते। वहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है नाम का, ये स्टैंड तो मतलब निकाल ही दो भाई साहब इसका, इसमें मेरी बैग भी नहीं फिट होगी, एक थैली छोटी सी फिट हो जाएगी, दैट्स ऑल नथिंग एल्स। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई अभी इस बस के बारे में, सारे पॉइंट्स कवर मैंने कर लिए है ऑलमोस्ट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।